हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और ये देख रहा है पीछे, यहाँ पर मैंने स्टे किया था। ये जगह है हाईवे के पास ही है सोनीपत, क्योंकि मैं रात को आया था, लेट भी हो गया था, तो अंदर जा नहीं पाया। तो मैं सोचा यहीं पे कहीं रुकने के लिए जगह देख लेते। तो ये जगह पड़ी है, यहाँ पर देख रहा है बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर मॉल बनने वाला है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाले भैया थे, तो उनसे मैंने पूछा था रुकने के लिए, तो भैया ने हाँ बोल दिया था। तो रात को मैं यहीं पर रुका था। तो भैया का रूम है यहाँ पर, सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो भैया ने रोकने को बोल दिया था, तो रात को यहीं पर सो गया था मैं। तो ये भैया का रूम है, इसी में मैं अपना अंदर टेंट लगाया था। तो अभी निकलने वाला हूँ यहाँ से, मैं आगे की जर्नी स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले मैं भैया से बुलवाता हूँ। तो ये वाले भैया है, सिक्योरिटी का काम करते हैं। नौकरी भले ही छोटी है, लेकिन भैया का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। भैया ने शाम को भी हमको खाना खिलाया और सुबह भी खाना खिला के यहाँ से निकाल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया के, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा भैया के साथ। चलो चलते यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा भैया, सही में बहुत सपोर्ट किया, खाना भी खिलाया, रहने के लिए जगह दिया और खाना भी खिलाया, बहुत अच्छा लगता है। ये जा रहा है बाबा खाटू श्याम पैदल पैदल। जय बाबा खाटू श्याम। ये स्ट्रक्चर है, ऐसा बन के तैयार होगा मॉल बाद में, अभी दिख रहा है नक्शे में। बिल्कुल हाईवे के पास ही है ये, 6 लाइन हाईवे है। तो फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई है, अभी देख रहा है बैग को हाथ में पकड़े हैं। पर अभी हम जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम, क्योंकि यहाँ पर पदयात्रा चल रही है। अभी ज़्यादातर लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पैदल जा रहे हैं, तो हमने भी सोचा है क्यों ना हम भी चलते हैं आज बाबा खाटू श्याम के दर्शन करते हुए आगे निकलेंगे। फिर सहनी हमें सजा है, हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम, इसके पहले भी एक पीछे रास्ता है, वो अभी बंद है। यहाँ पे मेला भी लगता है द्वादशी का, हर एक साल में यहाँ पे झंडे चढ़ा सकते हो आप मंदिर पे। काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। दर्शन भी कर लिया, बाहर आ गया दर्शन करके। भीड़ बहुत ज़्यादा है, किसी भी मंदिर पे जाओ अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेला है पूरा, तो झूला भी लगा इधर। परमिंदर सिंह पहलवानी पर खड़े की सलामी ली। यहाँ पर है ये दंगल, दंगल चल रहा है। कमलजीत जी, विशाल कुश्ती महाकुंभ दंगल।
भाई हरियाणा का दंगल है, हरियाणा मैं भी आज रात के पहलवान आज दंगल में हमारे कमलजीत सिंह पहलवान खड़ा ढूंढ छिड़ी पंजाब का चमकता हुआ सितारा हमारे बीच पहली मरतबा आज किसी का टाइटल विजेता पहलवान है कमलजीत सिंह पहलवान शेरे पंजाब राहुल नरेश खड़ा और पंकज सोनीपत खाटू श्याम के कौन कौन दीवाने हैं कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आपको पता होगा खाटू श्याम कौन है क्योंकि उनका संबंध महाभारत से है और वो भीम के सुपुत्र यानी घटोकच्छ के पुत्र थे। जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था तभी तो वो भी खाटू श्याम रण क्षेत्र में वो भी युद्ध के लिए तैयार होकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेके जा रहे थे। उनकी माँ ने कहा था उनकी तरफ से लड़ना जो हारने के पक्ष में हो। तो तभी वो अपने तीनों बाण तीर कमान लेकर घोड़े पर सवार होकर चलने लगी। तभी बीच में श्री कृष्ण आए अपना वेश बदल कर ब्रह्मांड के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी शक्तियों को आजमाने लगे, उनको रोकने लगे। तो उनसे पूछा आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे? तो उन्होंने बताया कि जो पक्ष हारेगा हम उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही था कि कौन हारने वाला, तो उनको लगा अगर हारते समय उनकी तरफ से युद्ध लड़ेगा तो युद्ध का पर्दा उल्टा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी शक्ति को आजमाने लगे। तो उन्होंने खाटू श्याम बोले तो हम इतनी शक्ति है कि हम पूरे ब्रह्मांड को हरा सकते हैं। तो तभी श्री कृष्ण ने बताया, ये पीपल का पेड़ था वहाँ पर, तो उन्होंने बताया सारे पत्तों को भेद के बताओ। तो उन्होंने अपना एक तीर चलाया, पूरे पत्तों को भेद दिया और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो तीर घूमता घूमता उनके पैर के नीचे आया तो खाटू श्याम वाले बाबा बोले आप पैर को हटा लो नहीं तो पैर में भी छेद हो जाएगा। तभी वो समझ गए बहुत महान योद्धा और भारी बहुत महान योद्धा थे, शक्तिशाली थे वो, क्योंकि उन्होंने ये सब शक्तियाँ माँ कामाख्या मंदिर और भगवान शिव से प्राप्त की थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक वरदान मांगा, शर्त रखा कि हम आपसे जो मांगेंगे वो हमें देंगे। तो उन्होंने हाँ कर दिया। तो वो बोले हमें आपका सिर चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये कोई नॉर्मल साधु नहीं है, कोई बड़ा ही है कोई। तो उन्होंने बोला खाटू श्याम वाले बाबा ने कि आप अपना हमें दर्शन कराइए। तभी उन्होंने भेष बदला तो श्री कृष्ण ने अपने स्वयं अपने दर्शन करवाए। तभी खाटू श्याम वाले बाबा ने अपना सिर काट के श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। तो उन्होंने एक बात और कही थी कि हम पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर एक ऊँची पहाड़ी पर रख दिया जहाँ से वो युद्ध देख सकते। तब उनका सिर कट के राजस्थान सीकर जिले में गिरा था और धड़ यहाँ हरियाणा पानीपत के श्यावड़ा गांव में था। तो जो मेन मंदिर है वो राजस्थान के सीकर जिले में है जहाँ पर उनके सिर की पूजा जाती है। मेन मंदिर है, भारत देश में दो ही मंदिर है खाटू श्याम वाले बाबा, एक हरियाणा में एक राजस्थान सीकर में। तब इसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम वाले बाबा को वरदान दिया था कि तुम्हारी पूजा कलयुग में होगी। तो इसलिए कलयुग के भगवान खाटू श्याम वाले बाबा है। तो इसलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हरियाणा और राजस्थान में बहुत प्राचीन मंदिर है क्योंकि यहाँ के सभी लोग बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ के लोग बहुत मानते हैं। राजस्थान हरियाणा के लोग पैदल भी आते हैं मन्नत मांगने के लिए और यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। हरियाणा में खाने पीने की टेंशन नहीं भाई, भंडारे चल रहे हैं मंदिर में, भंडारे।
मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे खीर बट रही है। भैया जी कुछ बोल दीजिए। जय श्री श्याम। भैया जी खीर बांट रहा है, सब भक्त लोगों को यहाँ पर आ रहे हैं। लोग